अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगी एंड फाइन शाइन होंगी। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल्स है केसरिया के आर्टिकल्स हैं, हेड कोड में से एक है और ये आर्टिकल स्टिच होकर आ चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ वन बाई वन इन आर्टिकल्स की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल्स की डिटेल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने आर्टिकल बाय किया है केसरिया से। बहुत प्यारा सा ये आर्टिकल है, प्रिंटेड आर्टिकल है और ये मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवा लिया है। सबसे पहले जनाब हम लोग इसकी शर्ट देख लेते हैं। तो जनाब नेकलाइन देख ली, नेकलाइन राउंड में रखवाई गई है, बहुत ही प्यारी सी नेक है। फैब्रिक ब्लैक कलर का लेकर इसके ऊपर मैंने एंकर के धागे की डिटेलिंग्स करवाई हैं, साथ में जॉइंटर फिक्स करवा दिया फ्रंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसकी डिटेलिंग चेक कर लेती हैं, कर सकती हैं, साथ में आप लोग इसकी फिनिशिंग चेक कर लें। ये देखिए फिनिशिंग के साथ ड्रेस को डिज़ाइन किए जाते हैं और इस तरह से इसकी नेकलाइन हो गई। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है। ये देखिए शर्ट की लुक हो गई, साथ में जो बॉर्डर्स दिए गए थे वो हमने साइड पर शोल्डर से लेकर दामन तक इसको हमने अटैच करवा दिया कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये इसकी लुक है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है और ये आर्टिकल मेरे ख्याल में अब आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये आप लोग अरेंज करवा सकते हैं अपने लिए। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है और इस तरह से आप लोग दामन चेक कर लें। दामन के ऊपर जो है वो लेस लगवाई गई है, ठीक है, लेसेस की डिटेलिंग्स करवाई गई हैं, साथ में सेम फैब्रिक का ही हमने पलटा यूज़ किया है, इस तरह से पलटा यूज़ किया गया है। लेसेस के डिज़ाइन को आप लोग देख लें, मिल्की लेसेस मैं यूज़ करती हूँ, दामन पे भी आप लोग देख लें। बॉर्डर जो साइड पे लगकर आता है ना वो बहुत खूबसूरत लुक देता है और बॉर्डर भी वेस्ट नहीं होता और ड्रेस की लुक जो है वो भी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। बैक साइड भी आप लोग चेक कर लें, इसकी बैक साइड है, बैक साइड भी हमने लैस इस तरह से फिक्स करवा ली। इसके बाद हमारे पास इसके स्लीव्स आ जाते हैं। स्लीव्स जो है ना, स्लीव्स के ऊपर थ्री टाइम्स हमने जॉइंटर फिक्स करवाया है, वन टाइम, टू टाइम, देन थ्री टाइम्स, ठीक है, इस तरह से, और एंड पे हमारी ये लैस आ गई। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है। अगर ये आर्टिकल आप लोग बाय करती हैं तो ये मस्ट बाय कर लें, ठीक है। फिनिशिंग के साथ ड्रेस को डिज़ाइन किया जाता है, नीचे पलटा भी लगवाया गया है ब्लैक कलर में ही, ठीक है। ये हो गया, शर्ट को हम साइड पे रख देते हैं। बॉटम जो है मेरी क्लाइंट के जो होते हैं वो स्ट्रेट ही होते हैं, बॉटम पे कोई भी डिटेलिंग्स नहीं होती, सिंपल बॉटम के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। बॉटम जो है बिल्कुल प्लेन रखा गया है, जस्ट फोल्डिंग करवाई गई 2.3 या 3 इंचेस की और बॉटम जो है वो 8 to 9 है, ठीक है। और ये आ जाएगा इसका खूबसूरत सा दुपट्टा। कस्टमर ने कहा था कि दुपट्टे में आपने कुछ नहीं करवाना, तो दुपट्टे को जस्ट मैंने यू जस्ट प्रेसिंग कर ली थी ताकि आपको लुक इसके प्रॉपरली शो करवा सकूं, ठीक है। तो ये इस ड्रेस की लुक है जो कि काफ़ी नाइस लग रही है। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसकी कंप्लीट लुक देख लें आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वन आर्टिकल देखते हैं और इसकी मॉडल लुक देख लेते हैं। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक जो कि काफ़ी नाइस लग रही है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आप लोगों ने चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करनी है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन आर्टिकल भी हमारे पास केसरिया का आर्टिकल है, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल है। इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, नेकलाइन राउंड में बनवाई है और साथ में स्लिट बनवा कर मैंने 2 बटन्स ऐड की हैं और मिड में मैंने पर्ल्स लगा दिए। बहुत प्यारा सा ये क्यूट सा लग रहा है आर्टिकल। ये आर्टिकल फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, इसको कुछ भी कराने की ज़्यादा नीड नहीं थी, तो हम लोगों ने इसको कुछ भी ज़्यादा नहीं करवाया, सिंपल ही ड्रेस को डिज़ाइन किया गया है। साथ में साइड स्लीव्स में मैंने एम्ब्रॉयडरी के कलर की लेसेस को ऐड ऑन किया है, दामन पे भी और साइड स्लीव्स के ऊपर भी। बैक साइड जो है वो भी आपको इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगी। आर्टिकल भी हेड कोड में से एक है, ये आर्टिकल भी आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग चेक कर लें। साथ में सेम फैब्रिक का ही पलटा यूज़ किया गया है, मैं पलटा आपको शो करवा देती हूँ। ये देखिए इसका सेम कलर का ही हमने पलटा यूज़ किया गया है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ ड्रेस को डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप लोग भी अपनी ड्रेस स्टिच करवाना चाहती हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकती हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पर मेंशन है और आप लोगों को पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, स्लीव्स को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना ये लाइन्स में है
ठीक है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस में लगवा दिया बॉर्डर्स बनाकर, यहाँ मैंने जॉइंट फिक्स करवा दिया और एंड पे हमारी लैस आ गई। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेस के लुक को कंप्लीट कर लिया गया है। बहुत प्यारा आर्टिकल है, अगर आप लोग भी इस आर्टिकल को लेने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग मस्ट आउटलेट से ये बाय कर सकती हैं। ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा क्योंकि न्यू अरावल के आर्टिकल्स हैं जिन पर डिस्काउंट अभी आया था, 30% डिस्काउंट। ये इसका बॉटम है, बहुत ही प्यारा सा इसका बॉटम है, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स बनवाई गई है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है, दुपट्टा जो है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। दुपट्टे के जस्ट जो पल्लू थे उनको हमने करवाया है पीको, ठीक है, सिंपल पीको करवाई गई है और साथ में इसके लॉन्ग जो लॉन्ग साइड थी ना तो वो तो थी ही एम्ब्रॉयडर्ड, तो हमने उसको एम्ब्रॉयडर्ड ही रखा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है, किसी ने अगर बाय नहीं किया तो ये आर्टिकल मस्ट बाय कर सकता है। इस ड्रेस की मॉडल लुक भी आपको शो करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को आर्टिकल का लुक का आइडिया हो जाए। अगर कोई भी सिस्टर इस आर्टिकल को लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकें और अपने लिए स्ट्रेस इसी तरह से करवा सकती हैं, क्योंकि ऐसे आर्टिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती, बहुत प्यारे से लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आर्टिकल देखते हैं, उससे पहले हम इसकी मॉडल लुक भी देख लेते हैं। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप लोग भी इस तरह के आर्टिकल्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, बहुत प्यारा सा ये आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है, आप लोग इसको कम्प्लीट देख लो। नेक्स्ट वन आर्टिकल भी हमारे पास केसिया का आर्टिकल है, बहुत ही खूबसूरत है, इस पर अभी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, न्यू अरावल का आर्टिकल है। सबसे पहले इसकी नेकलाइन निकली, नेकलाइन जो है ये बॉर्डर हमें साथ में दिया गया था शर्ट के साथ, इसको हमने यूज़ किया है कुछ इस तरह से, ये पट्टी मैंने सेपरेट बनवाई है, साथ में इसके ऊपर हमने ये रख कर लगवा दिया और यहाँ से ये एप्लिक भी हो गया। ठीक है, ये एप्लिक करवा दिया। ये जो आप लोग दिख रहे हो ना, ये हमारे पास जॉइंटर है, छोटा सा जॉइंटर यूज़ किया गया है और नीचे से आप लोग ये देखें, ड्रेस को प्रॉपर फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन किया जाता है। ये देखिए, इसके नीचे जो है ना पूरा कपड़ा लेकर जाकर यहाँ हमने फिक्स करवा दिया और यहाँ से हम लोगों ने ओवरलॉक करवा दिया ताकि यहाँ से ये नेक शो ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पल्स आ गए सारे जो कि हमने अटैच कर दिए। अभी मैं आपको सारा लुक इस ड्रेस का दिखा देती हूँ, ठीक है, और साथ में इनर अटैच की गई है। ठीक है, इनर के साथ इस ड्रेस को डिज़ाइन किया गया, ये देखिए इसका नेक आ गया, ब्लैक कलर का ये आउटफिट है, बहुत ही हसीन। उसके बाद हमारे पास इस तरह से इसका ये लुक आ गया, दामन के ऊपर भी जॉइंटर फिक्स करवाया गया है, वही जॉइंटर यूज़ किया गया जो छोटा सा जॉइंटर था। ठीक है, ये इसका जॉइंटर है, छोटा सा जॉइंटर था, मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला था कि आपने छोटा सा जॉइंटर यूज़ करना है, साइज लेस भी ब्लैक कलर की लेसेस आ गई, दामन पे भी लेस आ गई जो कि बहुत ही नाइस लग रही है। उसके बाद हमारे पास इसके स्लीव्स आ जाती हैं, स्लीव्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखवाई गई हैं, जो बॉर्डर दिया गया था उसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, जॉइंटर लगा दिया और इस तरह से इसकी लुक को हमने कर लिया कम्प्लीट। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है, किसी ने अगर बाय करना हो तो मस्ट इसको बाय कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका बॉटम आ गया, बॉटम बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स बनवाया गया है जो कि मैंने आपको बताया कि मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही थी कि बॉटम अपने सिंपल ही बनानी है। ठीक है, वो हमेशा से सिंपल ही बनवाती हैं, कब तकरीबन इनका ये फोर्थ वन ऑर्डर है मेरा, मेरे पास जो कि ड्रेसेस उनके स्टिच होते हैं और वो बॉटम सिंपल ही स्टिच करवाती हैं। ठीक है, तो ये इस ड्रेस की कम्प्लीट लुक हो गई। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आप लोगों ने चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करी है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह जिसका आ जाएगा खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा, ठीक है, ये इसका एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा है, काफ़ी नाइस लग रहा है ये आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आर्टिकल देखते हैं, उससे पहले इसके मॉडल लुक भी हम लोग देख लेते हैं। तो जनाब, ये इस ड्रेस के लुक है और ये ड्रेस मुझे इतना खूबसूरत लगा है, बनकर इतना हसीन लग रहा है कि क्या बताया जाए। इतना तो ये अनस्टिच भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा था पता नहीं कैसा स्टिच होगा, लेकिन स्टिच होने के बाद मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये आर्टिकल कैसा लगा। नेक्स्ट वन आर्टिकल मेरा मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है और ये डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसकी लुक देख लेते हैं, ये भी केसिया का आर्टिकल है, 30% डिस्काउंट पर आपको ये मिलेगा। पहले हमने तो इसको 10% डिस्काउंट पे लिया था लेकिन अब इस पर 30% डिस्काउंट आ चुका है। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख ली, नेकलाइन हमने राउंड में पाइपिंग वाली नेक बनवाई है, यहाँ पे भी पाइपिंग करवाई है, फिर लूप्स लगवाए हैं, लूप्स में वाइट कलर के क्रिस्टल वाले बटन्स लगाए हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि आपने मेरे जो बटन्स हैं वो क्रिस्टल वाले ही यूज़ करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका लुक, बहुत प्यारा आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है ये आर्टिकल,
स्टिच होकर तो बहुत ही हसीन लग रहा है। इसकी जो शर्ट है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ में पैनल्स में हम लोगों ने जॉइंटर फिक्स करवाया है, जॉइंटर के नीचे फैब्रिक भी अटैच किया है। ये देखें, जॉइंटर लगाने के बाद ये फैब्रिक अटैच होता है और साथ में ये ओवरलॉक भी करवाई जाती है। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है, जान नहीं छुड़वाई जाती कि जी बस अगले की चीज़ है, बस जान छुड़वा लो। जस्ट प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। इस तरह से इसकी शर्ट की लुक को डिज़ाइन किया गया है। टू पैनल्स में हम लोगों ने शर्ट को बनवाया है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है। इसके बाद ये देखें, फाइनल्स में ये शर्ट इतनी हसीन लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, उसके बाद मैंने मिल्की लेसेस यूज़ किया है और मैंने मिल्की लेसेस ये स्कैलप वाली यूज़ की है। स्कैलप वाली यूज़ की मैंने किसी की देखी थी वेयर की भी ना, तो उन्होंने स्कैलप वाली लेस यहाँ लगाई हुई थी, तो ऐसे लग रहा था दूर से जैसे कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो मैंने जब करीब से आके उसको लड़की को देखा तो वो लेस लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलें इन क्लाइंट के लिए भी मैं ऐसे ही लगवा दूँगी। मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है और ये मुझसे कल पूछ रही थी, आज पूछ रही थी आई थिंक के जी आप तो नहीं मुझसे तंग होती, तो मैं उनसे बिल्कुल भी तंग नहीं होती। तो ये कि मैंने कहा वो बहुत अच्छी हैं, तो ये देखें ये इस तरह से इसकी कंप्लीट लुक हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी लुक देख लें, मिल्की लेसेस यूज़ की हैं प्रॉपरली, मैं आपको आगे करीब से भी शो करवा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से इसकी लुक हो गई, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। साथ में सेम फैब्रिक का ही वाइट कलर का ही हमने पलटा यूज़ किया गया है, जो बहुत ही नाइस लग रहा है। अच्छा जी, इस तरह से मैं ना कॉर्नर्स नहीं बनाती हूँ, इस तरह से ये फोल्डिंग करके तरपाई हो जाती है। ठीक है, बैक साइड भी हम लोग देख लेते हैं। बैक साइड जो है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगी और ये ड्रेस की लुक कंप्लीट हो गया। आप लोग देखिए इतनी अच्छी लगी स्कैलप्स वाली लेस। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बट एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये लेस लगी हुई है और लग भी तो बहुत प्यारी रही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इसकी जो है ना स्लीव्स आ जाती हैं। स्लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट बनाए गए हैं जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट थी। जॉइंटर देन थ्री प्रिंटर्स देन जॉइंटर देन थ्री प्रिंटर्स एंड एंड के ऊपर हमने ये लैस फिक्स करवा दी, जो कि बहुत ही प्यारी है स्कैलप्स वाली। और ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। उसके बाद इसका ये बॉटम आ जाता है। बॉटम बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स बनवाया गया है, जैसे जस्ट फोल्डिंग की गई है। दुपट्टा इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और जस्ट इसको पीको करवाया गया है, वाइट कलर की पीको करवा दी थी। और साथ में लॉन्ग साइज जो है वो हमारी हो गई एम्ब्रॉयडरी, मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। ठीक है, तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आप लोगों ने। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इस ड्रेस की मॉडल लुक भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मॉडल को वेयर करवा के ड्रेस कैसा लग रहा है। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। और इस तरह की ड्रेसेस आने देखने के लिए आप लोग चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।